दोस्तों, अगर आपने इस वर्ष स्कूली शिक्षा पूरी कर ली है, अब आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि आप आसपास के क्षेत्र के जितनी कॉलेजें हैं उनकी डिटेल निकालना। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर कौन सा कोर्स संचालित हो रहा है, उसकी फीस कितनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको उस कॉलेज के अंदर ऑप्शन मिलेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, उसके अंदर अलग अलग पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, कुछ साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स होते हैं, इसी तरह के बहुत सारे कोर्स होते हैं जो संचालित किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जितनी भी कॉलेजें होती है सभी में जो कोर्स होता है वो एक नहीं होता। जैसे कहीं पर आपको BA करना है तो हो सकता है आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट मिले। तो आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा ये पता करना ज़रूरी है आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व। दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं, लेकिन हमें ये पहले पता करना है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सब्जेक्ट हमें चाहिए वो कहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको निकालनी होती है कि मैं आगे जाके BSc करूँगा, BCom करूँगा, जो भी BEd करूँगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप किस प्रकार से ऑनलाइन देख सकते हैं। आपके आसपास के सभी कॉलेजों की, जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के हो गए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो गए, MDS के हो गए, MLSU के हो गए, कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी कॉलेजें हैं, उन कॉलेजों में जो भी पाठ्यक्रम है उनकी डिटेल आज मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करें, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर टाइप करना है DCE राजस्थान। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे DCE राजस्थान का आपका ऑप्शन मिल जाएगा और इसका जो वेब लिंक है वो है www.stee.rajasthan.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। ये हो गया दोस्तों ओपन। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा ड्रैग करते हुए नीचे आना है, तो यहाँ पे तीन लाइनें दिखाई देगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे कोर्स का लिखा हो, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है कोर्स, तो इसी लाइन के सबसे अंत में तीर का निशान, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ स्टूडेंट कोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ गया। कुल यूनिवर्सिटी है जो है 75, कुल इंस्टीट्यूट है 3056 इंस्टीट्यूट कुल संचालित हो रहे हैं, कुल डिग्री 276 प्रकार की डिग्री करवाई जाती हैं और कुल जो कोर्स हैं वो है 9852 प्रकार के कुल कोर्स संचालित किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं बाय कोर्स। कोर्स नाम से आपको डिटेल निकालनी है कि कॉलेज के अनुसार निकालनी है कि सब्जेक्ट के अनुसार निकालनी है। मान लो मैं सबसे पहले यह बाय सब्जेक्ट लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो मैं इसी के हिसाब से बता दूँ। तो आपने अपना आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है वो पहले आप कंफर्म कर लो। मान लो कि आपको पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन लेना है या फिर मान लो जालौर डिस्ट्रिक्ट, तो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने ले लिया। उसके बाद दोस्तों आप अपनी यूनिवर्सिटी लेंगे, तो आपको जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तीन तरह की यूनिवर्सिटी है, एक तो है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। अब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से आवेदन करना है, तो जैसे ज़्यादातर JNU से करते हैं, मैं JNU ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कोर्स टाइप, तो एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, तो अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे डिग्री है, UG PG है, PG है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी डिग्री है। जैसे कि आपको भी 12th कंप्लीट की है और आपको आगे की पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन करना, तो मैं UG ले लेता हूँ और UG के बारे में हम जानकारी निकालते। फिर डिसिप्लिन यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आपको एग्रीकल्चर में करनी है या फिर आर्ट्स में करनी है, तो ये अलग अलग है, कॉमर्स में करनी है, कंप्यूटर साइंस में करनी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में करनी है, डिजाइनिंग, एजुकेशन, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको आप अलग अलग लेके जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको देख सकते। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स के, तो मैं आर्ट्स की लेके बताता हूँ, तो ये आर्ट्स ले लिया। फिर मैं लूँगा सब्जेक्ट, तो आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए वो आपको चयन करना है। मान लो को आपको एक तो ज्योग्राफी लेनी है, तो मैंने फर्स्ट ज्योग्राफी ले लिया, फिर मैं सेकंड ले लेता हूँ हिंदी और थर्ड ले लेता हूँ, और थर्ड में लेना है आपको मीडियम, कौन से मीडियम में आपको आगे का एजुकेशन करना है, तो मैंने ले लिया हिंदी। फिर सर्च कॉलेज एंड कोर्स, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कोर्स कहीं पर संचालित हो रहा है, नो रिजल्ट फाउंड, यानी कि ये कोर्स कहीं पर भी संचालित नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ मीडियम में हिंदी इंग्लिश लेके वापस सर्च करते हैं हम।
अब यहाँ पे आपको ये मिल गया दोस्तों, ये है। ज़्यादातर दोस्तों आपको मैंने हिंदी लिया, ये गलती आप नहीं करनी है। ज़्यादातर जो कॉलेज होती है उसके अंदर जो पाठ्यक्रम संचालित होता है वह हिंदी व इंग्लिश दोनों के अंदर होता है, तो आप हिंदी इंग्लिश ही लेके सर्च करें। तो बीए यहाँ पे संचालित हो रही है, तो यहाँ पे बीए लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों या जैसे कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जरूर, तो ये गवर्नमेंट होगी, तो ये रेगुलर है। या एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो एलिजिबिलिटी 10+2 इन एनी, यानी कि किसी के अंदर भी आपने साइंस कॉमर्स या आर्ट्स के अंदर 12th की होनी चाहिए, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों फीस डिटेल देखनी है, तो आप फीस डिटेल पे क्लिक करो, तो 1951 रुपये आपको ऑनली फिल पेमेंट करनी होगी। इस प्रकार से ये फीस की डिटेल आएगी। अब सब्जेक्ट देख लो, ये इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें से कोई भी आप 3 सब्जेक्टों का चयन कर सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो ज़्यादा सब्जेक्टों का चयन भी कर सकते हैं। तो ये हो गए सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके आसपास के जो कॉलेज हैं उनकी डिटेल आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे बीए है, तो बीए के ऊपर भी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज आहोर है, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जालोर है, जीके गोस्वामी गवर्नमेंट कॉलेज भिनमाल है, ये सब कॉलेज लगातार जो भी हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दोस्तों आप बाय कोर्स भी कर सकते हैं, आपको कोर्स के अनुसार कौन कौन सी कॉलेज है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे बाय कोर्स कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिले, कभी भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें। फिर आपको यूनिवर्सिटी ले लेनी है, तो जैसे कि यहाँ पे जय नारायण व्यास ले ली। फिर आप ले लो दोस्तों यहाँ पे पीजी, जैसे आपको पीजी करनी है तो पीजी ले लो। पीजी का मतलब होता है दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है आपकी, उसके बाद 2 वर्ष का और आप आगे डिग्री करते हैं, उसे आपको पीजी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आर्ट्स ले ली, फिर मीडियम ले लिया, आप हिंदी इंग्लिश दोस्तों दोनों लेना है यहाँ पे। और यहाँ कोर्स का ऑप्शन भी है, आपको क्या करना है, एमएससी करनी है, बीएड, जैसे कि आपको एमए ले लो, सर्च कॉलेज एंड डिग्री ले लो। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये हो गई कॉलेज, कुल 6 कॉलेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल आप यहाँ पे देख ली, बैचलर यानी कि बीए किया हुआ होना चाहिए, फी डिटेल भी हो जाएगी। दोस्तों प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी फी डिटेल आपको नहीं मिलेगी, या मैनेजमेंट टाइप में गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। ओनली हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ से हो रही है, यहाँ पे हो रही है इकोनॉमी एंड हिस्ट्री से हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ये डिटेल भी आपको यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगी। इसी के अनुसार दोस्तों वीडियो और भी आगे बहुत कुछ है, दोस्तों आगे भी देखते रहे। बाय आप कॉलेज भी कर सकते हैं, तो कॉलेज के अंदर दोस्तों यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बॉयज़ कॉलेज में लेना है, गर्ल्स कॉलेज में लेना है, को एजुकेशन कॉलेज में लेना है। तो जो भी डिटेल्स है, जैसे कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो मैं गवर्नमेंट पर टिक करूँगा। गवर्नमेंट के अलावा वो ओनली बॉयज होनी चाहिए, या फिर कोई गर्ल्स के लिए ओनली गर्ल्स, तो मैंने गर्ल्स पे क्लिक कर लिया। ये 2 ऑप्शन का मैंने चयन कर लिया, और अब और भी आपको सही तो ऑप्शन आप ले सकते हैं। फिर आप अपना अजमेर ले लिया डिस्ट्रिक्ट, फिर आप यूनिवर्सिटी ले लेंगे, तो मैंने ले लिया मानस MDS अजमेर के अंदर, ज़्यादातर कॉलेज MDS के, तो मैं MDS ले लेता हूँ। कोर्स टाइप में मैं ले लेता हूँ, मुझे कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करना है या फिर डिप्लोमा करना है, तो मैं जैसे कि डिप्लोमा कोर्स के लिए ले लेता हूँ इस बार। फिर मैं डिसिप्लिन ले लूँगा, मुझे करना है डिप्लोमा आर्ट्स के अंदर। फिर मैं यहाँ पर ले लूँगा कॉलेज टाइप के अंदर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर है और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सर्व, जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर के करके मैं सर्च कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड, यहाँ पे इसी तरह का कोई भी कोर्स संचालित नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, इस कॉलेज में इस तरह का कोर्स संचालित हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको बता देगा कि इस कॉलेज में इस तरह का कोई भी कोर्स संचालित नहीं हो रहा, यानी कि आपने कंफर्म कर लिया कि आपको कोई इस कॉलेज से एजुकेशन लेना है और आपको ये आगे की पढ़ाई करनी है। तो आप इस प्रकार से ये डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये विशेष ध्यान रखे है कि आपको जब भी एडमिशन लेना है, इससे पहले आप इस पोर्टल पर आए, ये डिटेल कन्फर्म कर ले कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो कौन सी कॉलेज में संचालित हो रहे हैं, उसकी फ़ी कितनी है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से आप एडमिशन लेके अपनी फीस को बचा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसकी फीस बहुत हाई होती है, इसी प्रकार अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे तो उसकी फीस बहुत कम होती है। कई बार दोस्तों क्या होता है, कोई कॉलेज जैसे कॉलेज के एग्जाम फॉर्म प्रारंभ होंगे तो डायरेक्टली क्या करता है कि स्टूडेंट जाके उसके अंदर अप्लाई कर लेता है, वो कन्फर्म ये नहीं करता कि उसके कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट संचालित हो रहे। उसके बाद उसको कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज मिलने के बाद वो जब कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होता है उसके बाद उसको पता चलता है कि जो आपको सब्जेक्ट मिले हैं वो सब्जेक्ट उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसके अंदर वो कोई भी आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से कभी कभार नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें उससे पहले ये कन्फर्म कर लें कि आपको जो पाठ्यक्रम
के अंदर प्रवेश चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, वो कौन सी कॉलेज के अंदर संचालित हो रहे हैं, उस कॉलेज के अंदर देखने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर करें। इसी तरह कॉलेज व स्कूल एजुकेशन व ईमित्र से जुड़े हुए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ईमित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, जिससे इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।